गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी सम इरेशनल नंबर्स। नाउ लेट अस सी सम बेसिक थ्योरम, इम्पॉर्टेंट थ्योरम। नाउ ये जो थ्योरम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। नाउ लेट पी इज प्राइम नंबर, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए। सपोज पी इज प्राइम नंबर, पी ए कोई भी प्राइम नंबर है, एंड इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए। इसका क्या मतलब है, अभी ये हम एग्जांपल लेंगे। कंसिडर अ प्राइम नंबर टू, जैसे यहाँ पे पी लिया है वैसे यहाँ पे टू लिया है। नाउ पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर, इसका मतलब टू डिवाइड्स 64। देन पी डिवाइड्स ए, टू डिवाइड्स 8। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि इफ अगर 64 को 2 से डिवाइड होता है तो 64 का जो स्क्वेयर रूट है ना 8, उसको भी 2 से डिवाइड होता है। और कोई एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल 81। नाउ 3 डिवाइड्स 81, ठीक है, देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड्स 9 और 9 ये 81 का स्क्वेयर रूट है। तो ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका हमें आगे जाके काम पड़ने वाला है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट याद ही करना है आपको कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर देन पी डिवाइड्स ए, ठीक है। अभी ये डेफिनेशन थोड़ा इसको हम रिवाइज करेंगे। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स, थोड़ा याद कीजिए को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं। दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, उनको वन छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 25 एंड 9। नाउ फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1, 5, 25 एंड फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1, 3, 9 एंड 25 एंड 9 दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज वन। दैट्स वाई 25 एंड 9 दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, ओके ठीक है। नेक्स्ट रैशनल नंबर, अभी ये रैशनल नंबर आप जानते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी एंड क्यू ये इंटीजर होता है, डिनोमिनेटर ये नॉन जीरो होता है। और यहाँ पे आप एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये को प्राइम होते हैं, इसका क्या मतलब है। अभी एक एग्जाम्पल लीजिए, 27 अपॉन 36, ये रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। अभी इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है उसका रिड्यूस फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म 3 अपॉन 4। और केयरफुली देखिए, 3 एंड 4 ये को प्राइम नंबर्स है, यानी कोई भी रैशनल नंबर हम ऐसा रिड्यूस कर सकते हैं कि उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम बन जाए। यानी 3 एंड 4 को 1 छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सी अनदर प्राइम नंबर, फॉर एग्जाम्पल 12 अपॉन 16, ये रैशनल नंबर है। अभी इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे दोनों को भी तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, हो गया 3 और 4 को प्राइम। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों भी को प्राइम बनते हैं, ओके ठीक है। अभी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, रूट टू इज इरेशनल। अभी ये थ्योरम हमको प्रूव करना है, यानी हमको प्रूव करके दिखाना है कि रूट टू इज इरेशनल। अभी इसके दो मेथड है, आप रूट टू की वैल्यू निकाल के भी बता सकते हैं कि ये इरेशनल है। उसकी वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आती है तो उससे भी आप बता सकते हैं कि वो इरेशनल है। लेकिन आपको 10th क्लास में एक नई मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये मेथड क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है विरोध करना, यानी जो हमको बताना है उसको विरोध करना। यानी अगर हमको बताना है रूट टू इज इरेशनल तो हम बोलेंगे नहीं भाई, रूट टू इज रैशनल, ओके। यानी हमने गलत सोचना है कुछ तो फिर उसको सॉल्व करना है, गलत सोच को सॉल्व करना है और आगे जाके ऐसे कुछ आने वाला है जो कुछ गलत ही होगा,
इसका मतलब हमारी जो सोच है वही गलत है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। अभी मैंने ये जो सब कहा है ना, आपको प्रॉब्लम देखने के बाद समझ में आएगा ये सब क्या है। ओके, नाउ लेट अस सी थ्योरम। रूट टू इज इरेशनल कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सपोज रूट टू इज रैशनल, मैंने कहा ना उल्टा उल्टा सोचना, उसको विरोध करना कि रूट टू ये इरेशनल नहीं है। ठीक है भाई, रूट टू ये रैशनल है। ओके, तो अगर रूट टू ये रैशनल है तो रूट टू कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर है ना, पी अपॉन क्यू में क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और पी अपॉन क्यू ये कैसे रहेंगे, नेचुरली इंटीजर्स डिनोमिनेटर नॉन जीरो, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। हमने ऊपर ही देखा है कि पी एंड क्यू ये को प्राइम है, क्योंकि हमने पी और क्यू को अभी रैशनल नंबर माना है। ठीक है यहाँ तक, ओके। अभी ये जो थ्योरम है ना, ये थोड़ा समझने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा इसको केयरफुली देखना। नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसको स्क्वेयरिंग करना है, दोनों साइड को स्क्वेयर करना है, तो ये बन जाता है 2 इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर। यहाँ तक ठीक है, ओके। नाउ ये है आपका स्क्वेयर करने के बाद 2 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर। अभी हम क्या करेंगे, ये 2 और क्यू स्क्वेयर की पोजीशन चेंज करेंगे, यानी क्यू स्क्वेयर के बदले में 2 लाएंगे और 2 के बदले में क्यू स्क्वेयर लाएंगे, तो ये स्टेप बन जाएगी पी स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर। बस हमने एक्सचेंज किया है 2 और क्यू स्क्वेयर को। देखो पहले पी स्क्वेयर के नीचे क्यू स्क्वेयर था, वहां हमने 2 लाया है और इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर। ठीक है, अभी इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसका क्या मतलब है। देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8, इसका क्या मतलब है। 16 इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 16 को 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ नंबर आ रहा है। ऐसा ही तो सेम यहाँ पे हो रहा है, देखो पी स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर, इसका क्या मतलब है कि पी स्क्वेयर को 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ नंबर आ रहा है क्यू स्क्वेयर। इसी का ही मतलब है कि पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2, समझ में आ रहा है ना। ओके, अभी हमने एक स्टेटमेंट देखा था, याद है, इफ पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2 देन इट्स स्क्वेयर रूट पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पी इज डिविजिबल बाय 2। नाउ आगे, यहां तक समझ में आया। ओके, नाउ इफ पी इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब पी को 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ नंबर आएगा, हमने उसको लिया है सी। आप कुछ भी ले सकते हैं, एम एन कुछ भी ले सकते हैं, हमने सी लिया। सी इज सम पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि p इज डिविजिबल बाय 2 कहा है। नाउ p इज इक्वल टू 2c, 2 को राइट साइड में लेके आए। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है p इज इक्वल टू 2c, ये हमने इस 1 में रखा है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं आपको आगे जाके पता चलेगा। तो ये देखिए हमारा 1, ये है 1, तो इस 1 में हमने p इज इक्वल टू 2c की वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व किया, ये 4 आता है, 2 के साथ कैंसिल होके 2c स्क्वायर आता है। अब ये 2 क्यू स्क्वायर, ये 2 क्यू स्क्वायर के नीचे आया इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अभी ये स्टेटमेंट थोड़ा केयरफुल देखिए, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका क्या मतलब है। क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका क्या मतलब है। इसका एक ही मतलब है कि क्यू स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ नंबर आता है सी स्क्वायर, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। और ये है हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जिसने इसको केयरफुली देखा है उसको शायद समझ में आया होगा ये सब क्या है। अभी देखिए हमारा स्टेटमेंट ए क्या था,
क्या था, p इज डिविजिबल बाय 2। और ये बी स्टेटमेंट क्या है, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका क्या मतलब है, इसका p एंड q आर डिविजिबल बाय 2। हमने ऊपर दिखाया था p इज डिविजिबल बाय 2, नेक्स्ट q इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब p एंड q ये को प्राइम नहीं है, और p और q तो को प्राइम है, हमने पहले ही ऊपर लिखा था। कहाँ लिखा था, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने कहा था ना, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, p एंड q आर को प्राइम, क्योंकि हमने ये गलत सोचा था, हमने सोचा था कि रूट टू इज रैशनल, हमने गलत सोचने के बाद हमारा ये गलत रिजल्ट आया, कौन सा, p एंड q आर डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स p एंड q आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने ऊपर तो लिखा था कि p एंड q आर को प्राइम, हैंस अवर अजम्पशन, हमने जो सोचा था कि रूट टू इज रैशनल, ये रॉन्ग है, और हैंस रूट टू इज इरेशनल। समझ में आ रहा है क्या है इसका मतलब, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ही थोड़ी सी कॉमेडी है, मजेदार है, यानी जो हमको प्रूव करना है उसका उल्टा ही कुछ सोचना। हमको प्रूव करना था रूट टू इज इरेशनल, हमने सोचा रूट टू इज रैशनल, और वो सोचने के बाद ऐसा कुछ लाना, जैसे यहाँ पे p एंड q ये को प्राइम थे, उनको कोई भी वन छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, और हमने ये गलत सोच के हमने ये प्रूव किया कि p एंड q को वन के सिवा और एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है 2। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत सोचा था, हमारी सोच जो थी ना रूट टू इज रैशनल, यही गलत थी, एंड इसलिए रूट टू इज इरेशनल। जो कि मैंने पहले कहा था, ये थ्योरम थोड़ा समझ में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ओके, इसको थोड़ा बार बार देखिए, समझ में आएगा, बहुत इजी है और बहुत मैकेनिकल स्टेप्स है। अभी ऐसे ही दूसरा एक एग्जांपल देखिए, सेम एग्जांपल, सिर्फ रूट टू के बदले में हमने रूट थ्री लिया है, ओके, थोड़ा भी आराम से सोचिए, हमको दिखाना है रूट थ्री इज इरेशनल, फिर से वही मेथड कॉन्ट्रडिक्शन। अभी इस वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सेम मेथड, अज्यूम दैट, अज्यूम करना है ना मानना, सपोज रूट थ्री इज रैशनल, अगर ये रैशनल है तो वी कैन राइट रूट थ्री इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, फिर कंडीशन पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। और आप जानते हैं आगे जाके इसका उल्टा होने वाला है, यहाँ p एंड q आर को प्राइम है, इसका मतलब p एंड q को वन छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन आगे जाके हमारा स्टेटमेंट गलत होने वाला है, क्योंकि हमारी सोच ही गलत है, ठीक है। तो अभी फिर से कॉमन स्टेप्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों को स्क्वेयरिंग करना, आगे ये है अपना स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग कर दिया, फिर थ्री और क्यू स्क्वेयर का पोजीशन एक्सचेंज किया, यानी पी स्क्वेयर अपॉन थ्री इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर, ठीक है। अभी पी स्क्वेयर अपॉन थ्री इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर, इसका क्या मतलब है कि पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3, यानी पी स्क्वेयर को 3 से डिवाइड करने के बाद कुछ नंबर आ रहा है क्यू स्क्वेयर, दैट मीन्स पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। If p square is divisible by 3, then p is also divisible by 3. ये है हमारा most important statement, statement A. ठीक है, तो अभी if p is divisible by 3, तो p को हम 3 से divide करने के बाद कुछ number आ सकता है, suppose हमने उसको लिया c, फिर p is equal to 3c, और इस value को हमको 1 में put करना है, और कहाँ है हमारा 1, ये है हमारा 1, ये 1 है, बी 1 में हमने p
पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, फिर उसको स्क्वायरिंग किया, उसको सॉल्व किया, ये आया 3c स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर के नीचे 3 लेके आए। तो इस तरह से अभी इसको देखना, इसको, इसका क्या मतलब है कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये है हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इस तरह से पी एंड क्यू दे आर डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये हमने पहले ही कहा था। हैंस अवर अजम्पशन, हमारा जो हमारी सोच थी कि रूट थ्री इज रैशनल इज रॉन्ग, एंड हैंस रूट थ्री इज इरेशनल। ओके, मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा 50% समझ में आया होगा। इसको, इस वीडियो को आप बार बार देखो, एकदम मैकेनिकल स्टेप से, कॉमन स्टेप से आपको सिर्फ और इसको बिना देखे नोटबुक में सॉल्व करके देखिए एक बार, फिर आपको समझ में आया ये सब क्या है। ओके, तो इनको देखिए, अगर कुछ डिफिकल्टी है तो मुझे बता दीजिए।